हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं क्लास 10 के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक सिंपल सी प्रॉब्लम। और ये सेम प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में भी दी हुई है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो खाने पीने के जो आइटम्स होते हैं उनका जो पैकेट बनाया जाता है, तो उस पैकेट्स को जब बंद करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस क्यों फिल की जाती है। देखिए, बहुत सिंपल बात है, ये जो फूड के अंदर कंपाउंड्स होते हैं, जो खाने पीने के आइटम्स होते हैं फूड, उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आए लंबे टाइम के लिए, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो प्रोडक्ट बनते हैं उस ऑक्सीडेशन के बाद, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते और उसमें से स्मेल भी आती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फूड क्या हो गया, फूड रेंसिड हो गया। ना तो उसमें खाने के लिए टेस्ट होता है और ना ही वो खाने के लिए हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो इस रेंसिडिटी को रोकने के लिए जो पैकेट में जो फूड बंद किया जाता है, तो उसमें हवा निकाल के, क्योंकि हवा में तो ऑक्सीजन भी होती है ना, सिर्फ एयर निकाल के सारी उसमें नाइट्रोजन फ्लश कर दी जाती है, उसमें नाइट्रोजन भर दी जाती है। और जो नाइट्रोजन होती है वो जो फूड में प्रेजेंट कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, उसे रिएक्ट नहीं करती है। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है। तो रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम जो फूड के पैकेट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन भर देते हैं।